हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ एक और कार। ये है मारुति सुजुकी की वैगन आर 2008 का वेरिएंट। एलएक्सआई है ये, रेड कलर में, पेट्रोल इंजन है इस पे। और ये मेरी हमारी खुद की कार है, हमने इसे 15 इयर्स यूज़ किया है और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है इसका अभी तक का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। सो गाइस, अगर हम इसके हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें नॉर्मल इंडिकेटर्स देखने को मिलते थे, फिर उसके नीचे यहाँ पे हमें हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है और नीचे फॉग लाइट की जगह दी गई है। वहीं अगर हम बीच के ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे हमें सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है और यहाँ पर भी हेडलाइट के सेम ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। नीचे भी हमें ब्लैक आउट में स्लाइडिंग देखने को मिलती है इस पर। इसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती थी और स्टील रिम्स देखने को मिलते थे। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका काफ़ी बढ़िया है। बैक लुक की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है और इस कार में हमें उस समय कंपनी फिटेड रूफ रेल्स देखने को मिलती थी, जो कि आज के समय में तो बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। यहाँ पे वैगन आर की बैजिंग और एलएक्सआई की बैजिंग और यहाँ पे हमें मैनुअली की से बूट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसी क्लाइडिंग देखने को मिलती है। नीचे साइलेंसर और स्टॉप लैम्प की जगह दी गई है। तो आइए इसका बूट स्पेस देखते हैं। सो गाइस, मैं अगर आपको इसका बूट स्पेस दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बूट स्पेस भी देखने को मिलता है। बाकी इसमें सीट्स का कंफर्ट भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे भी कुछ स्पेस दी गई है और इसकी स्टेपनी वगैरह नीचे देखने को मिलती है। तो आइए चलते हैं इसके मिडिल डोर पे। मिडिल डोर पे हमें कोई भी पावर विंडो नहीं देखने को मिलती क्योंकि ये बेस मॉडल है। यहाँ पे हमें मैनुअल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है और बाकी गाड़ी का इंटीरियर ब्लैक कलर का है पूरा, जिसमें हमने ये रेड कलर के सीट कवर्स डलवाए। काफ़ी बढ़िया मैचिंग हो रही थी इससे और सीट का कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे हमें दो हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, आर्म रेस्ट इसमें नहीं देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं आपको यहाँ पे बैठ के दिखाऊँ तो हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लेग स्पेस भी देखने को मिलता है और कुछ ऐसा इस इंटीरियर देखने को मिलता है। सेकेंड रो से बहुत बढ़िया लगती थी ये कार, उस समय की बहुत ज़्यादा चलने वाली कार थी। उसके बाद इसका नेक्स्ट जनरेशन आया, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। मैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें सिंपली इंजन की हीटिंग और कूलिंग का सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने को मिलता है और साइड में फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलती है। नीचे हमें ये बताएगा कितना किलोमीटर्स हमने रन किया है गाड़ी से अभी तक। जैसे इसमें सिर्फ एक ही ये ओडोमीटर दिखा रहा है अभी और ये ट्रिप का दिखा रहा है 105 किलोमीटर। बाकी इस कार का एवरेज भी काफ़ी बढ़िया रहता है, 17-18 का आराम से दे देती है ये कार, इसीलिए तो मारुति आज तक फेमस है इंडिया में। और यहाँ पे हमें नॉर्मली ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कोई भी हमें मिरर नहीं देखने को मिलता। काफ़ी छोटी सी लाइट दी गई है इस पर। उस समय के हिसाब से ये कार बहुत बढ़िया थी और मैं बता दूँ उस समय इस कार की प्राइसिंग ओनली 3.5 लाख के आसपास थी, जो कि इस प्राइस बजट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑफर करती थी ये कार। तो गाइस, अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 1 लीटर का मारुति का बहुत ही रिफाइंड इंजन है ये। और गाइस, मैं बता दूं इसका कंपैरिजन होता था सेंट्रो से। मारुति ने पर और कंपनियों को ये चीज़ सिखाई कि वो एक हैचबैक में भी कितनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और कितनी ज़्यादा हाइट की गाड़ी बना सकती हैं, जो कि ये कार थी उस समय की, बहुत बढ़िया कार थी उस समय की ये। बाकी यहाँ पे हमें मैनुअल वाले मिरर्स देखने को मिलते हैं और ब्लैक कलर में हमें डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। इसकी की कुछ ऐसी